हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वर्जी को बददियानती में कैसे फिट करेंगे? इतने सालों बाद कारोबारी लेन देन में कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को कैसे ना अहल कर दें? मान लेते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी हुई, बददियानती कहां से आएगी? चीफ जस्टिस के जहांगीर तरीन नाअहली केस में रिमार्क्स। इमरान खान ने अपने कागजात में अहलिया के असासे जाहिर नहीं किए। नई दस्तावेजात में यूरो अकाउंट दिखाया गया। अकरम शेख के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, अगर दस्तावेजात मुतनाज़े हों तो फिर अदालत को क्या करना चाहिए? जमायमा का ताल्लुक खानदान से है, जमामा के असासे पूरी दुनिया में हो सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब रेफरेंसेस को यकजा करने की शरीफ की दरखास्त पर एहतसाब अदालत, फैसला कल 11 आएगी। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने आयद फर्द जुर्म एहतसाब अदालत में चैलेंज कर दी। जालसाजी का इल्जाम साबित होने तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, अलग मुकदमा चलाया जा सकता है। दरखास्त का मतन समाज कल होगी। शरीफ फैमिली का आज भी शाहाना प्रोटोकॉल, काफले में एक दो नहीं पूरी 30 गाड़ियां शामिल थीं। सिक्योरिटी अहलकारों की दौड़े लग गई, कारकुन नारे लगाते रहे। पंजाब हाउस में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ की मुलाकात, नई हलका बंदियों, आईनी तरमीम और मुहिम से मुतालिक अमूर पर मुशावरत। अयाज सादिक की भी नवाज शरीफ से मुलाकात, पार्लिमानी रहनुमाओं से होने वाली बातचीत से आगाह किया। ये एहतसाब नहीं इंतकाम है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम, कहा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तलाल चौधरी कहते हैं सी पैक खतरे में पड़ चुका, लगता है इमरान खान के बाद पीपल्स पार्टी को भी परवेज की वैक्सीन लग गई। शेख रशीद कहते हैं नून लीग की हालत काबले रहम है, करप्शन केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख्वाहिश है इलेक्शन वक्त पर हो मगर उनके नहीं। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की दिलचस्पी सियासत में नहीं मुकदमात में है। एतमाद में लिए बगैर कौमी असेंबली का इजलास गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया, ये पार्लियामेंट से मजाक है। खुर्शीद शाह का शिक्र, हुकूमती अरकान को अपने ही हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। मैं क्यों नहीं बोलूं? आपने अगर मुझे ये कहा ना कि मैं नहीं बोलूं, मैं आपको आउट कर दूंगी। ये क्या बात हुई कि चार चार सवाल करते हैं, मैं आपको आउट कर मिली से। गन्ने की कीमत मुकर्रर ना करने और पानी की अदम फराहमी पर सिंध असेंबली में ऑपोजिशन चरापा। शहला रजा और नुसरत सहर अब्बासी में तू तू मैं हो गई। शहला रजा की नुसरत सहर को ऐवान से निकालने की धमकी। पाकिस्तान में ना हक्कानी नेटवर्क का वजूद है, ना हक्कानियों को पाकिस्तान में पनाहगाह की जरूरत। अफगानिस्तान के 45% इलाके पर कोई हुकूमत ही नहीं। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगु। दौरे अफगानिस्तान पर कत्ल किए गए पाकिस्तानी सफारतकार नैयर इकबाल का जस्ते खाकी तूरखम बॉर्डर से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, जिसका रोज जलालाबाद में कत्ल किया गया था। सिंध में माजूर अफराद को 3 माह में नौकरियां मिल जाएंगी, मुलाजमतों के लिए इश्तिहार दिया जाएगा। वजीर आला सिंध की माजूर अफराद के वफ को यकीन दहानी। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो तलबा को दाखिले के वक्त सियासी और तकरीबी सरगर्मियों से दूर रहने का हल्फनामा भी जमा कराना होगा। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने फैसले की मंजूरी दे दी।
9 नवंबर को यौम इकबाल पर आम तातील नहीं होगी। वजीर दाखला एहसन इकबाल ने समरी अल्लामा इकबाल का ही शेर लिखकर मुस्तरद कर दी। कंदील बलोच कत्ल केस में नामजद मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश, चालान मुकम्मल न होने पर बस 6 रोज का रिमांड दे दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में दुश्मनी के 2 वाकयात, 30 मिनट में 5 अफराद जिंदगी से महरूम। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार, 4 वालदैन गिरफ्तार, हवालात में बंद कर दिया गया। जैकबाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की क्लास की छत का प्लास्टर गिर गया, 5 तालिबात जख्मी, कई बार आला हुकाम को के लिए कहा मगर कुछ ना हुआ। शिकवा काबुल के मकामी टीवी स्टेशन पर दहशत गर्दों का हमला, फायरिंग से खातून हलाक, 20,000 जख्मी। सऊदी अरब का 5 स्टार होटल करप्शन केस